नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी कामयाबी की राह में आगे बढ़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे, यानी जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी और जो काम करने आए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या उसे समझ में आती है। जो काम कुछ दिन करते करते हो गए हैं उनके लिए तो ये समस्या है ही, जो नए नए आए हैं तो उसके लिए भी ये समस्या है। बोलेंगे जब नए लोगों के लिए भी समस्या है और पुराने लोगों के लिए भी समस्या है तो इस समस्या के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जब तक समस्या जानेंगे नहीं उसका समाधान निकलेगा नहीं। और समस्या आप सभी को पता है, यदि नहीं पता है तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। दोस्तों, वैसे तो आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया कि किस मैटर में आज बात होने वाली है, लेकिन यदि ध्यान से इस वीडियो को यदि आप देख लीजिए, ध्यान से पूरे वीडियो को देख लीजिए, तो दोस्तों आज के बाद आपके मुंह से कभी शायद ये ना निकले कि मैं टीम नहीं बना पाऊंगा, या फिर मुझसे टीम नहीं बनेगी, या फिर अब मैं टीम कैसे बनाऊं। ये सारी बातों में फर्क है। अब मुझसे टीम नहीं बन पाएगा, अब मतलब हमने मेहनत किया, अब थक चुके हैं, अब नहीं बन पाएगा। अब दूसरी बात, मुझसे टीम नहीं बन पाएगा यानी जो शुरुआत भी नहीं किए होते हैं उनकी समस्या। यानी दोस्तों, इस इंडस्ट्री में जो नए लोग आते हैं, दोस्तों जैसे कि कोई व्यक्ति किसी भी कंपनी में गया, डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम इंडस्ट्री में, वहां पे उसे पता चलता है कि उसे एक नेटवर्क बनाना है, उसे एक टीम बनानी है। और टीम बनाने की बात जैसी आती है वैसे ही सबसे पहले उसके पांव तले जमीन घिसक जाता है। टीम बनाने वाला काम है, मेंबर बनाने वाला काम है, अरे ये काम तो सबसे बुरा काम है, दुनिया का सबसे बुरा काम कोई होगा ना तो यही काम होगा। ये सब बात है दोस्तों सोच की, ये सब बात है सोच की। आप सुना सुनाया निगेटिव है, आप लोगों की बातें सुन सुन करके आपके माइंड में ये बैठ गया है कि ये लाइन खराब है, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों इस लाइन में जब आप जाते हो, इस लाइन के बारे में स्टडी करते हो, तब आपको पता चलता है कि ये लाइन खराब है या फिर अच्छा है। अब बताइए, आप मैथ को भारी मानते हैं, इंग्लिश को भारी मानते हैं, संस्कृत को भारी मानते हैं, कब तक? जब तक आप उसे पढ़ते नहीं है। जब उसे पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि ये कितना इजी है, और जब पढ़ने के साथ साथ जब उसे समझते हैं तब लगता है ये तो बहुत इजी है। सेम चीजें होती है यहां पर भी दोस्तों। जब हम सुनते हैं इस लाइन के बारे में, ये लाइन खराब है, ये लाइन में मेंबर बनाने वाला काम होता है, मेंबर कभी बनते नहीं, इसीलिए पैसे कभी लोगों के बड़े होते नहीं, लोग यहां पे पैसे नहीं कमाते, ये सब सुन सुन करके हमारी माइंड में ये भर गया होता है कि कंपनियां जो है ना लोगों को ठगती है, कंपनियां ना लोगों को बेवकूफ बनाती है बड़े इनकम के नाम पे। लेकिन वास्तविकता दोस्तों ये उन लोगों की सोच, दी हुई सोच होती है, जो लोग कभी भी कुछ करने की ट्राई ही नहीं करते, या फिर लाइफ में जो लोग हमेशा असफल ही रहते हैं ना, वो लोग भी चाहते हैं कि वो तो असफल रहा ही, उसके नजर के सामने कोई दूसरा ना सफल हो जाए। तो इसीलिए वो अपने अड़ोस पड़ोस जाने पहचाने वाले और अपने करीबी लोगों के माइंड में ये ठोक के बिठा देते हैं कि ये लाइन खराब है। आपने दोस्तों इस लाइन के बारे में कहां से सुना कि ये लाइन खराब है? कहीं ना कहीं अपने करीबी व्यक्ति के माध्यम से, कहीं ना कहीं करीबी व्यक्ति ही होगा, कोई आपकी पहचान का ही होगा जिन्होंने आपको कहा होगा कि ये लाइन खराब है और आप मान लीजिए खराब है। अब बताइए कि वो जो कहता है वो आप मान लेते हैं, वो जो कहता है वो आप मान लेते हैं, उन्होंने कहा ये लाइन खराब है तो आपने मान लिया, बहुत कुछ मान लेंगे आप, बुरा मत मानिएगा। आपके पिताजी बहुत अच्छे इंसान है, मतलब बुरा मत मानिएगा, पहले कह रहा हूं ये, मैं मेरे ऊपर ही ले लीजिए बात, मेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन जिस व्यक्ति पर मैंने भरोसा कर रहा हूं वो व्यक्ति कह रहा है कि तेरे पिताजी बहुत बुरे हैं, मान लेंगे मैं और आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पिताजी कैसे हैं, लोगों के कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सेम यहीं पर, यहां पर भी वही ट्रिक लागू होता है। लोग जो कह रहे हैं इस इंडस्ट्री के बारे में ये चीज खराब है, मेंबर नहीं बनते हैं, दोस्तों ये उनकी सोच है, आपकी क्या सोच है पहले इस चीजों को पहले स्टडी कीजिए, जानिए, समझिए, तब अपने विचार आप रखिए, तो हुए पक्का निर्णायक, डिसीजन मेकर जिसे कहते हैं। सबसे पहली बात तो पे मैं चलता हूं कि मुझसे टीम नहीं बन पाएगा। मेरा पहचान तो दो तीन चार लोगों की ही है, 10 लोगों का ही है, मैं लोगों से ज्यादा ज्यादा, मैं सीनियर लोग कह रहे हैं, सर लोग कह रहे हैं, ज्यादा ज्यादा मैं बात करूंगा, और कहने का मतलब आया तो आया, नहीं आया तो क्या करेंगे, पैसा तो डूबिया गया, चल गए, चल जाएंगे। ये सोच और आप गए, जो लोग ये सोच के काम किया ना वो पक्का जाएगा, आप डायरी पे लिख लो, आप जाओगे 100% जाओगे, 110% आप जाओगे ही जाओगे। और दूसरा, यदि उसी जगह पे वो इंसान ये सोच लिया, 2-4-5 लोगों की मेरी जान पहचान तो है, अब जरूरत है
कि वो दो चार पांच लोगों से भी ज्यादा लोगों तक मैं कैसे पहुंचूं, या फिर वो दो चार पांच जो मेरे करीबी हैं उस व्यक्ति को किस तरह से मैं बात करूं ताकि वो मुझ पे पूरी तरह से विश्वास करे और इस बिजनेस को देखने आए, जिस तरह मैंने देखा और समझा और मैंने स्टार्ट कर दिया, वो भी जब आएंगे देखेंगे समझेंगे ना तो स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों बोलेंगे मेरा तो अपना आदमी है, मैं तो कह दूंगा ना आ जाएगा। नहीं होता है ऐसा, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। ये गलत फहमी भी आपकी दूर हो जाएगी आप जब लोगों से बात करना शुरू करेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी पहचान बहुत कम है और उस कम लोगों में ही अपनी एक बहुत बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, बोलेंगे सर मेरी पहचान तो दो चार पांच लोगों की ही है, क्या मेरी बहुत बड़ी टीम बन पाएगी? मैं कहता हूं ना, दो चार पांच लोगों से है ना, यदि इस इंडस्ट्री में दो से तीन लोग चार लोग जितना हो सके उतना बढ़िया, लेकिन दो से तीन लोग चार लोग, मैं कहता हूं एक लोग भी आ गया, टीम बनाने की बात हो रही है पर्सनली, तो एक लोग भी आ गया तो आपकी लाखों लोगों की टीम बन सकती है, बशर्ते वो एक लोग ढूंढने के लिए और उस लोग को यहां तक लाने के लिए आपका जो एफर्ट है, आपका जो एजुकेशन लेवल है, उस स्किल को बढ़ा करके उस एक लोगों को सही गाइडलाइंस में सही निर्देश दे करके यहां तक सिर्फ पहुंचा दिए, तो बाकी तो कंपनी करती है, बाकी तो सिस्टम करती है, उसको समझाने का, बताने का, यहां के बिजनेस प्लान, यहां के प्रोडक्ट, यहां की ट्रेनिंग, सारी चीजें कंपनी करती है, बस उसको यहां तक किस प्रकार से लाना है ये चीजें आपको स्किल अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। बाहर के बहुत सारे लोग जब इस वीडियो को देखेंगे वो लोग सोचेंगे देखो कितना अच्छा फंसाने का टेक्निक बता रहा है। देखिए फंसाने का टेक्निक नहीं है, ये आपकी धारणा है, ये आपकी मनसा है, लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो, जब आप इस चीजों को समझते हो तो आपको लगता है नहीं ये मेरे बेहतर के लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जिसे मैं फंसाने वाला काम नहीं कर रहा था, ये फंसाने वाला नहीं बल्कि एक लाइफ कैरियर समझ लीजिए ना, बहुत ज्यादा पढ़ लिख के भी जो लोग नहीं कर पाता ना उससे भी ज्यादा कहीं गुना फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर वाला वर्क ये है। तो आप समझने लगेंगे जब इस चीजों को समझेंगे तो दोस्तों इसके लिए जरूरी है कि जिस व्यक्ति को आप बुलाना चाहते हैं, यदि पहचान आपकी कम भी है तो उस कम लोगों को आप सही तरीके से बुलाएं और सही तरीके से आपके बिजनेस में वो आकर काम शुरुआत ही कर ले, तो उसके लिए आपके स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। स्किल होता है दोस्तों बात करने की कला, और बात करने की कला के लिए मैं हर वीडियो में बोलता हूं और ज्यादातर वीडियो में बोलता हूं हाउ टू अप्रोच की ट्रेनिंग आप प्रॉपर रूप से लीजिए। जी हां दोस्तों, हाउ टू अप्रोच की ट्रेनिंग जिन्होंने प्रॉपर रूप से लिया, जिन्होंने सीखा, वो व्यक्ति कभी नहीं फेल हो सकता है। दोस्तों बोलेंगे मेरे पास बात करने के लिए लोग नहीं है या फिर मेरी पहचान बहुत सीमित है, मैं कहता हूं जितनी ही पहचान है ना उसी में मैं एक उदाहरण समझाता हूं आपको समझ में आएगा। जैसे मुझे पसंद है व्हाइट, उजला, आपको क्या पसंद है? बहुत सारे लोगों को काला पसंद होगा, लाल पसंद होगा, नीला पसंद होगा, उजला पसंद होगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा व्हाइट कितने लोगों को पसंद है कॉमेंट जरूर कीजिएगा, सर मेरा भी पसंद व्हाइट है। दोस्तों हो गई ना मेरी टीम, मैं व्हाइट पसंद करता हूं और व्हाइट पसंद करने वाले लोगों को मुझे यदि एक जगह इकट्ठा करना हो तो आप में से जो लोग व्हाइट पसंद है वो हमारे टीम के हिस्से बन गए, मतलब इस इंडस्ट्री, इस लाइन, इस नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, इस बिजनेस की टीम नहीं, एक जनरली कहीं पर मुझे व्हाइट पसंद करने वाले लोगों को चुनना था तो चुन लिए ना। यदि दोस्तों मुझे एडिडास का शू पसंद है, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे एडिडास का शू पसंद है, मुझे सिर्फ ढूंढना है कब तक? जब तक कि मिल नहीं जाता। जहां पे आपकी तलाश खत्म वहां पे लोग मिलना बंद, जहां पे आपकी तलाश खत्म वहां पे लोग मिलना बंद। बोलेंगे मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे बड़ा टीम नहीं बन पाएगा, मुझे नहीं लगता है कि यहां पे भी कोई आएगा ही आएगा। ठीक है, एक आपके गांव में बहुत बड़ा क्रिमिनल है जो कोई भी किसी को भी ऊंची आवाज बोलने पर या फिर उसके विरोध में जाने पर सीधा गोली मारता है, क्या उसके विरोध में आप जाना पसंद करोगे? बोलेंगे ना अपना काम बनता, बाहर में जाए जानता, अपना खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, कोई मरे जिए उससे क्या मतलब है, उसके विरोध में भाई कभी नहीं जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं आप विरोध में जा सकते हैं, हालात आपको ले जा सकते हैं, हालात सिचुएशन मैं दे रहा हूं। आपके पिताजी को वो अपने घर पर ले आए और बोले तुझे आना है, और आपके पिताजी को आपके नजरों के सामने बेइज्जती कर रहे हो, बुरा मत मानिए, क्या सिचुएशन दे रहा हूं, बेइज्जती कर रहे हो, उसे उसे लात मार रहे हो, उसे धिक्कार रहे हो, आज तक जो शर्मिंदगी उसे नहीं मिली वो शर्मिंदगी आपके पिताजी को दे रहे हो आपकी नजरों के सामने, आपका दिल करेगा ना चीर डाले उस व्यक्ति को जो आपके पिताजी को बेइज्जत कर रहा है? जी हाँ दोस्तों, तो ये सिचुएशंस हालात ही तय करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। जो हार गया ना, मन से हारा हुआ इंसान लाइफ में कभी सफल नहीं हो सकता,
कभी नहीं सफल हो सकता। जो मन से नहीं हारा तो दोस्तों वो लाइफ में हमेशा सफल होगा, उसे असफलता की ओर ले जाने वाला कोई मायका लाल पैदा नहीं लिया है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ये आपकी सोच तय करती है कि आप क्या कर सकते हो। सपोज यार ये सामने मैं एक दीवार रख दिया, बोलेंगे इसको तोड़ना है, बहुत सारे लोग बोले आसानी से तोड़ देंगे, आसानी सब लोग बोलेंगे, अरे इसको तोड़ने की बात है, यदि इसको मैं बोलता हूँ इस दीवार को तोड़िए 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो इस दीवार को तोड़ने के लिए हजारों लोग तैयार हो जाएंगे। उसी जगह मैं कहता हूं इसे तोड़ना है, क्या आप तोड़ पाओगे? बोलेंगे हमारे नाना दादा परदादा से भी नहीं टूटेगा, इसको कौन तोड़ पाएगा सर, माफ कीजिए मेरे से नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, नहीं होगा। बोलेंगे सर किसी भी इंसान की बस की बात नहीं है इसे तोड़ना, इंसान तोड़ सकता है, सिर्फ मशीन, बड़े बड़े मशीन ही इसे तोड़ सकते हैं। इस व्यक्ति को देख रहे हैं, इस व्यक्ति को देख रहे हैं, नाम है दशरथ माझी। जी हां, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही लंबा और चौड़ा इस पहाड़ में रास्ता चीड़ करके बना डाला। इसे बोलते हैं करना है तो करना है। क्यों? क्यों? एक परिस्थिति ऐसी आएगी कि इस पहाड़ से गिर करके उसकी बीवी डेथ कर गई, अब उससे लगा इस पहाड़ से आगे कोई नहीं गिर के डेथ करेगा क्योंकि मैं इसे इस केस को चीर के रास्ता बना दूंगा, और बना दिया। तो इसीलिए दोस्तों अपने मन से जो लोग हार गया वो लाइफ में कभी भी सफल हो सकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पुराने लोगों को भी यही फॉर्मूला लागू होता है। जो पुराने लोग हैं जो काम करते करते थक गए, उसे लगता है कि अब नहीं हो पाएगा ना, एक बार हाउ टू अप्रोच की ट्रेनिंग लेके देखिए, आपको लगेगा अब सर हो जाएगा, लगता है हो जाएगा, अब रास्ता मुझे दिख रहा है, अब मुझे रास्ता दिख रहा है। सबसे बड़ी चीज है ना, आपके अंदर जब मोटिवेशन खत्म हो जाएगी ना तो कुछ करने की भावना ही खत्म हो जाएगी। मोटिवेशन जगा के रखिए, उसके लिए जरूरी है ट्रेनिंग को अपने दिल के अंदर उतार के रखना। हाउ टू अप्रोच की ट्रेनिंग को लीजिए, आपके दिल से ये क्वेश्चन निकल जाएगा कि अब नहीं हो पाएगा। और नए लोग ये पहली बार में मत सोचिए कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं, आप बोलिए किसी भी कीमत पे होगा और करके रहेंगे। और वो लोग जो लोग कहते हैं कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, दोस्तों याद कीजिए उस तमाम लोगों को जो लाख असफलता झेलने के बाद उन्होंने सफलता पाई। बोलेंगे सर ये कहानी सुन सुन करके बोर हो गए हैं, क्या कहानी सुना रहे हैं, ये सब कहानी न, बस कहानी में ही अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। वो भी व्यक्ति रियल लाइफ इसी सिचुएशन से गुजरा था जब उसे परेशानी आई थी, और उस परेशानी को आने के बाद उन्होंने उस परेशानी को नहीं समझा और उन्होंने फिर से ठाना कि मुझे फिर से इसे कोशिश करना है कुछ नया करने की। उदाहरण के लिए बहुत सारे लोग हैं, थॉमस एल्वा एडिसन, राइट ब्रदर्स, बहुत सारे लोग हैं। बोलेंगे सर ये मोटिवेशनल बातें से ना टीम नहीं बन पाएगी, मोटिवेशनल बातों से टीम नहीं बन पाएगी, प्रैक्टिकल जब बातें करूंगा ना तो प्रैक्टिकल बातों के लिए आप तैयार नहीं होंगे, और जो सिचुएशंस आएगी, हालात जो आएंगे ना, उस परेशानी से लड़ने के लिए आप तैयार नहीं होंगे। एक बार नए और पुराने दोनों लोग सुनिए, टीम बनाने की काम है ना, मुश्किल लग रहा है ना, एक बार, सिर्फ एक बार की ये काम है, जिंदगी भर पैसे आएंगे, जिंदगी भर पैसे आएंगे। 3 लोगों को इस बिजनेस में तो लेके आइए, 4 लोगों को तो इस बिजनेस में लेके आइए तो आइए, 2 लोगों को इस बिजनेस में तो लेके आइए, जिस प्रकार आप आए हैं सेम लेके तो आइए। ये 4 से 40 कैसे होगा ना, वो उस कंपनी पे छोड़ दीजिए जिस कंपनी में आप काम करते हैं, उस अपलाइन उस सीनियर्स पे छोड़ दीजिए, वो कैसे होगा 4 का 40, छोड़ तो दीजिए, वो 40 का 400 कैसे होगा, 400 का 4000 कैसे होगा, 4000 का 40000 कैसे होगा, 40000 का 4 लाख कैसे होगा, वो उस अपलाइन पे छोड़ दीजिए, उस सिस्टम पे छोड़ दीजिए, उस कंपनी पे छोड़ दीजिए, आप सिर्फ लेके तो आइए। बस आपका तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए, तरीका गलत हुआ तो 40 के 40 लोग फेल हो जाएंगे जिसको आप इस बिजनेस में लाने वाले हैं, 40 का 40 फेल हो जाएगा यदि तरीका गलत होगा। तो तरीका जिसने गलत किया उसी लोगों का सवाल है कि अब मुझसे ना हो पाएगा, तो नए लोग सीख लीजिए, ये डायलॉग आपका भविष्य में हो सकता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे जितना करना था, मेरी जितनी पहचान थी सब खत्म हो गई, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। यदि वो लोग जो गलती किए वो गलती आप नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चंस का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, और ऐसा आएगा कि एक दिन जिसको आप देख करके चाहते हैं कि मेरा क्या इतना बड़ा मेरा चेक बन पाएगा, इतना बड़ा चेक क्या मेरा बन पाएगा, जैसे बड़े लोगों के बने हैं, बड़े बड़े जीडीडी लोगों के बने हैं, बड़े बड़े टॉप डायमंड्स लेवल के लोगों के बने हैं, एक दिन सिचुएशंस ऐसा आएगा कि लोग आपको देख के कहेंगे
क्या मेरा चेक इतना बड़ा बन पाएगा, क्या मेरा चेक इतना बड़ा बन पाएगा। मैं खुद बताऊं दोस्तों, जब मैं खुद इस बिजनेस में आया ना, मैं सोच रहा था बातें तो बड़ी लंबी लंबी हो रही है, जितना वो लोग कमा रहे हैं ना कम से कम उसका आधा भी हो जाए ना तो मजा आ जाएगा। लेकिन एक बाइक लेने वाली बात है, जब बोलता है इतना बड़ा पैसा है तो बाइक तो हम जरूर लेंगे। दोस्तों वो सपना कैसे पूरा हुआ ना मुझे पता ही नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, 7 महीने में इस बिजनेस में मैं आरडी बना था। 7 महीने लगे थे मुझे आरडी बनने में, आज भी मुझे याद है 7 महीने मुझे आरडी लगे थे। 0+4 मंथ उसमें दिए जाते थे, 5 महीने के अंदर मुझे आरडी बनने थे। लेकिन वो हालात ऐसे हुए कि मेरे को 7 महीने लगे। यदि वो 7 महीने नहीं लगते तो मैं आज स्टार आरडी होता। लेकिन दोस्तों उस 7 महीने में जब मैं आरडी बनाना, तो मैं खुद भी यकीन नहीं कर रहा था कि जिस ट्रेनिंग सेंटर में बैठ के मैं एसआर नोसर किया करता था, उसी ट्रेनिंग सेंटर पे मैं मीटिंग दिया, उसी ट्रेनिंग सेंटर पे हजारों की तादाद में लोग मुझे सुने, और वो बैठा हुआ लोग सोच रहा था क्या मैं रोशन सर की तरह बन पाऊंगा। एक दिन मैं सोच रहा था वहां बैठ के, क्या मैं इस सामने वाले व्यक्ति की तरह बन पाऊंगा। दोस्तों वक्त वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है, सुने ना, ये वक्त वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है। डाले हैं चैनल पे, टॉप लेवल के सीनियर हैं उनका एक छोटा सा कविता है। अभी तो चिड़ियों का चहकना बाकी है, अभी मुर्गों का बांग देना बाकी है, सूरज की हल्की किरणें आ रही है और मुस्कुरा रही है और मुझे कह रही है हिम्मत मत हारना, मैं आ रहा हूं, बस थोड़ा सा तुझे आजमा रहा हूं। तो थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा लगन और कुछ करने की भावना, कुछ बनने की भावना और ना हारने का जज्बा आपको इस बिजनेस में कामयाब करेगी, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। ये बात आप गांठ बांध के समझ लो। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताया गया यह संदेश आपको बेहतर लगा होगा, मेरे द्वारा बताया गया यह जानकारी से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। दोस्तों वीडियो है, कितना बताया जाए, जब सामने होता है ना लोग, आई कॉन्टेक्ट मिलती है सामने वाले की, आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, इस बातों को मुझे समझ में आता है। जब नहीं सुन रहे होते हो तो आपको किस तरह से सुनाना है ये चीज़ समझ में आता है। आप वीडियो चालू करके कहीं साइड में हो गए हो, हमें क्या पता। लेकिन जो लोग इसे सीरियस रूप से सुनेंगे वो सोचेंगे नहीं, मेरे काम की चीज़ है, मेरे फायदे की चीज़ है, सामने वाला इंसान अपना अफोर्ड लगा के अपना समय दे के तो मुझे बता ही रहा है। क्या लगता है फ्री में ऐसे ही बन जाता है वीडियो? टाइम नहीं लगता मुझे वीडियो बनाने में? लगता है, लेकिन इसके बावजूद मेरी मनसा ये रहती है कि मेरी बात इसमें से एक भी लोग को समझ में आ गया ना, जिस दिन बन गया ना वो दिन कहेगा मैं आपकी बातों को जो मैंने सुना ना, मुझे नहीं करना था इस इंडस्ट्री में काम, लेकिन आपको बातों को सुनकर मैंने काम करना शुरुआत किया, आज मैं महीने का इतना कमाता हूं। मैं गर्व से कहूंगा दोस्तों कि मैंने कुछ अच्छा किया। और इसी चैनल पे जिंदगी सलामत रही तो इसी चैनल पे उस व्यक्ति का इंटरव्यू लेके आऊंगा जो कामयाब होकर कहेंगे कि मैंने इनकी बातों को सुन करके आज कुछ बड़ा किया। मैं उस तमाम लोगों से कहना चाहूंगा जो लोग हार चुके हैं या फिर जो लोग जीतने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ करना चाहते, कुछ बनना चाहते, सबसे पहले ना मेरे माइंड से निकाल दीजिए। जिन्होंने पहले सोच लिया कि मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, वो पहले ही नहीं बनेगा, ये बात लिख के रख लीजिए। आधे अधूरे विश्वास के साथ जो शुरुआत किया वो इस इंडस्ट्री में कभी नहीं टिक सकता। जो पूरी विश्वास के साथ इस बिजनेस में काम करता है कि नहीं, जब दूसरा कोई बन गया है, दूसरा कोई बन गया है तो इसका मतलब है यहां पर लोग बनता है, नहीं कोई बना होता तो समझ में आता कोई है ही नहीं। दूसरा कोई बन गया है यहां पे तो इसका मतलब यहां पे लोग बनता है, यदि कोई दूसरा बना है तो मैं भी बनूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जो कीमत अदा करना पड़े, दुनिया मेरे बारे में क्या बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं और मैं जो करूंगा उससे मेरा भविष्य बनेगा, मैं जो करूंगा उससे ही मेरा परिवार चलेगा और मेरे सपने पूरे होंगे। दूसरा क्या बोलता है, क्या सोचता है, ना तो उससे मेरा परिवार चलेगा, ना ही मेरे सपने पूरे होंगे, ना तो मेरे जरूरत पूरे होंगे। तो आज के बाद जो भी मैं करूंगा पूरे दिल से करूंगा, पूरी ईमानदारी से करूंगा, और जब तक सफल नहीं हो जाऊंगा तब तक रुकने वाला नहीं हूं। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या संदेश देना चाहता हूं। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, हर लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उसके अंदर भी जोश जुनून जगे, कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ पाने का, वो दिल से मेहनत करे अपनी कामयाबी के लिए और खूब मेहनत करके एक बहुत बड़ा नाम पहचान कमाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। We'll be right back.